जिस तरीके से उन्होंने रोटेशन चेंज करी, एक बार फिर से जोन में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे टीएसएम वर्सेस सोल देखने को मिल रहे हैं, निंजा को टेक डाउन किया जाएगा, सोल के ओल्ड प्लेयर वहीं पे देखने को मिलेंगे, निंजा को मैच से बाहर किया जाएगा। अर्ली लॉस लगता हुआ दिखेगा टीएसएम की टीम को, सोल कमिंग विद दैट अर्ली फिनिशेस पॉइंट। जी हां, सामने देखने को मिलेंगे सोल के प्लेयर को भी सेम लॉस देखने को मिला, ग्रेनेड किया था सैडो जी ने, रेंजर को बाहर करते दिखेंगे। जी हां, ओल्ड प्लेयर को टेक डाउन किया, बाहर किया इस मैच से सोल वर्सेस टीएसएम देखने को मिल रही। बट ओल्ड प्लेयर की हेल्थ देखिए आप, अब वहां पे रेकनिंग भी आ चुकी है, तीन टीमें देखने को मिलेगी अब आपको, सोल टीएसएम और रेकनिंग। रेकनिंग के पास मैन एडवांटेज इन कंपैरिजन सोल और टीएसएम थोड़े ज्यादा देखने को मिलेगी। प्रॉपर से लगातार स्प्रेज आती देखिए आपको, एक प्लेयर ऑल डाउन, जैसा आपने बोला बियर्ड बाबा डाउन है, व्हीकल फोड़ के खुद के प्लेयर को बचाने की कोशिश यहां पे कर सकते थे, लेकिन उससे पहले यहां पे प्लेयर डाउन हो चुका है। तो अब अगर व्हीकल फूटेगा तो प्लेयर का पिकअप आएगा, चीजें बदल चुकी है, सिनेरियोस कन्वर्ट हो चुके हैं। सेकंड टॉस की बात करें कुछ ज्यादा दिखेगा, पीछे से भी चल रहे हैं गोलियां, रेकेट टॉस कर ऑलमोस्ट डेड बाय बॉडी, लेकिन मैक्सी को डाउन कर लिया, दो प्लेयर यहां पे डाउन जा चुके हैं काफी पीछे से। मावी का कवर, मावी हमेशा मैं कहता हूं ढाल है ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, दो खिलाड़ियों को पीछे से डाउन कर चुके हैं। रेगल टॉस के ऊपर कवर देने की कितनी ज्यादा बेहतरीन सोची है, रेगल टॉस फ्री के दो फिनिशर्स मिल चुके हैं आपकी टीम को, जल्दी से सिक्योर कीजिए एंड देन ट्राई कीजिए कि थर्ड प्लेयर को भी डाउन करेगा। मॉली जो पड़ेगी काफी ज्यादा बेहतरीन, वापस एक और प्लेयर डाउन, एक और टीम खत्म। एंड ये जो एक मॉली थी ना, दिस वुड बी अ डिसाइडिंग मॉली, मुझे लगा था दिस वाज अ डिसाइडिंग मॉली। ग्रेनेड आएगी, एक और नॉक से क्या ग्रेनेड कनेक्शन देगी, नहीं डैमेज दिया बट कनेक्शन नहीं दे पाए। मावी की थी वो मॉली भी, आप देखिए मैं कितनी बार कहूं जब तक मावी जिंदा है ना टीम से उनको कोई छू नहीं सकता, ढाल है मावी अपनी टीम की, हर बार अपनी टीम को बचाए। पांच फिनिशेस टीम के आ चुके हैं मावी के नाम पे, तीन फिनिशेस, 1v3 एक अर्ली स्टेज में कर चुके हैं, एक्वानोस स्टिल ट्राइंग टू गेट सम मोर फिनिशेस। ग्रेनेड इन द हैंड, क्या ये ग्रेट कनेक्शन देगा, मुझे लग रहा है जरूर देगा, ना कर देगा, टीम सोल के लिए दिक्कतें बढ़ेंगे बिकॉज लॉबी के अंदर एंट्री बहुत ज्यादा कंफर्म हो गया। एक्वानोस ये ग्रेनेड सोल के ओल्ड प्लेयर को डाउन करेगी, मावी इज द ओनली गाइस रनिंग, क्या मावी अपने प्लेयर्स को बचा पाने की मुश्किलें बढ़ चुकी है बिकॉज टीएसएम के एक्वानोस डायरेक्टली आ चुके ऊपर पुश करने के, अगर एक्वानोस आगे बढ़ते हैं नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्वानोस को, पहले यहां पे प्लेयर्स जो आगे बढ़ते दिखेंगे अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए, बट क्या बचा पाएंगे बिकॉज टीम माइनस के खिलाफ जिंदा वीरू इज दाइंग। जोन का डैमेज लगातार चल रहा है, 350 मीटर ज्यादा जोन में भी जाना है, बट अगर ऊपर से एक जंप शॉट आता है तो टीम CS के लिए दिक्कत है। ये लीजिए वीरू को भी नॉकडाउन है, इसी के साथ INSU वाज द गाइस जिन्होंने यहां पे पूरी की पूरी टीम को खत्म किया, 1v4 की अपना टीम का बदला लिया है। रेवन की बात करते हैं, हाइड्रा के जादू को टेक डाउन करते हुए देखेंगे, जेली ST के जेली मतलब खुद गिर के नॉक हो गए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा देखने में। एक्सो के सेंसेई जी हां, गैलेक्सी रिसर्च के प्रॉब्लम क्लियर करते हुए बता रहे स्किल सेट अपनी थॉमसन के साथ, पंक को दरअसल ट्राई करेंगे, पंक नॉक हो चुके सेंसेई देखने में, कैरी दुनिया पर साथ में थॉमसन है, टॉम शॉट के लिए भी गया, सेंसेई की रीलोडिंग लगी थी इनकी भी लगी, पर सेंसेई ने गन स्विच करके बहुत ही प्यारे तरीके से स्किल सेट को टेक डाउन किया। दिस इज द राइट टाइम क्योंकि एक्सो के प्लेयर अभी ट्रबल में, अगर आपने इस टाइम उनको बाहर किया तो मोसिन लेके कोशिश करें स्पॉट करेंगे आप टीम रेवेनेंट के प्लेयर्स को, लेकिन आई डोंट थिंक कनेक्शन इतना इजी होगा। फाइन फॉस्ट की तरफ से ग्रेनेड, पंक को ऑल डाउन कर चुके हैं, ग्रेनेड की बारिश शुरू, ये लीजिए एक और प्लेयर डाउन सोनिक फॉक्स के द्वारा, आई थी वो स्प्रे दैट वाज अ लेजेंडरी स्प्रे, स्मोक के अंदर प्लेयर्स को हंट डाउन कर रहे हैं, सोनिक फॉक्स का पंक कवरेज कवर कर लिया, कैन ये लीजिए क्राउनी को भी डाउन, लेकिन अक्षय को पीछे से कुछ बुलेट्स पड़ेंगे एंड यहां पे आई थिंक सेंस इज द ओनली गाइस सर्वाइविंग, क्या यहां पे सेंस को भी डाउन करेंगे जाएगा। वॉर्टेक्स के हाथों रेवेनेंट की टीम परफॉर्म करी, बट एक ही ओपी ने लास्ट शॉट लिया लेकिन परफेक्ट लिया, दो प्लेयर को प्रॉब्लम में डाला है, ओके दो फिनिशिंग पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं, बट पीछे से आए शॉट, एक और प्लेयर को प्रॉब्लम क्रिएट करने की, क्या एक परफेक्ट शॉट, अगर यहां पे ड्रैगन के ऊपर कनेक्ट किया तो उनको भी बाहर कर सकते हैं, शॉट लिया जरूर, कैन ही डू इट, यहां पर रेवन के ड्रैगन को भी नॉक कर दिया गया, एविल सूर्या वहां पे देखने को मिलेंगे, कैन ही डू इट, एक ओपी अकेले प्लेयर बिना हेल्थ किट, बिना बैक बैक के कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कारल विद दैट 22 एमओ हेल्थ, देखिए आप आई थिंक एक ओपी का सर्वाइवल काफी डिफिकल्ट है, स्प्रे और अपने आपको हेल्थ किट जरूर लगाएंगे। एगी वहीं पे देखने को मिलेंगे, हाथों में M416 है, क्या रेवेनेंट के इनकोर को धराशायी कर पाएंगे, एनकोर इनको टेक डाउन करेंगे क्योंकि इनकी टीम से भी ऑलरेडी लॉकर बाहर, उसके नॉकेला प्लेयर एनिग्मा को भी बाहर किया गया,
टू टीम्स सेवन सीज वर्सेस स्प्रे गॉड रेवेनेंट के ऑस्टिन बॉटेक्स यहां पे देखने को मिलेंगे प्रेजेंस करके 4v1 की एडवांटेज है सेवन सीज के लिए डिफिकल्टी बढ़ जाएगी क्योंकि 2v4 का सिनेरियो उनके लिए स्प्रे गॉड का ग्रेनेड जा रहा है क्या पे रेवेनेंट निकालेगी यहां पे स्प्रे गॉड दिया स्प्रे गॉड ने शॉट जरूर करे एक गोल को टेक डाउन कर दिया है स्प्रे गॉड इज देयर बैक टू बैक ग्रेनेड्स आते दिख रहा है एक परफेक्ट ग्रेनेड अगर रेवेनेंट ट्राई करेगी बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पर प्रिंस के यहां पे स्लैब ना तो दिखेगा हाथ में देखने को मिलने वाली है M4 कैन ही डू इट यहां पर शुरुआत में दोनों प्लेयर है टॉप डॉग है एंड कोड कैन ही डू इट यहां पर पेसेस गो जरूर बट अब प्रिंस को भी टेक डाउन कर दिया गया स्प्रे गॉड इज नाउ द सोलो सर्वाइवल ये सबसे बढ़िया टाइम है रेवेनेंट के लिए और आप कह सकते हो कि रेवेनेंट ने निकाला है चिकन डिनर जी हां वीक 2 डे 1 में निकाला है चिकन डिनर आपकी अपनी टीम रेवेनेंट ने को मिलेगा टीटी के एविल सूर्य हाइट एडवांटेज का और अच्छी तरीके से यूज करना चाहते हैं बट एक चीज कि अगर यहां पे अक्षन उनको टेक डाउन कर दिया तो रिवाइवल काफी मुश्किल हो जाएगा क्लच गॉड को भी पता है एक प्लेयर वहां पे और प्लीज आपका सफर खत्म हो जाएगा जी हां टीएसएम को एलिमिनेट किया गया इस मैच से 12 टीमें 32 प्लेयर्स इन मैच देखने को मिलेंगे एविल सूर्य के बल्लों का दैट स्पेस लुक एट दैट 4x स्पेस बाय क्लच गॉड ये तो की है भाई ग्राइंड की अगर आपको सीखना है स्प्रेज को इस तरीके से रोटेशन डाल रही वापस सेल्स है आई थिंक इनसेन के पीछे से जाना चाहिए इनसेन के पीछे से जाने से क्या होगा इनसेन के फिनिशर्स पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि वो ओपन में जॉनथन यहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहे रैवलरी के सोनिक फॉक्स को प्रॉब्लम में डालेंगे जी हां जॉनथन अक्षय को भी टेक डाउन करेंगे डेल्टा पीजी व्हीकल ब्लास्ट अगर हुआ तो मार हो जाएंगे जी हां व्हीकल ब्लास्ट होगा डेल्टा पीजी को भी मार क्या जॉनथन कमिंग विद दैट सिक्स फिनिशर्स पॉइंट दिस इज कॉल्ड द रियल डोमिनेशन बाय गॉड ऑफ जॉनथन जी हां रेवन के फॉक्स ओपी को भी टेक डाउन करना चाहेंगे जॉनथन अकेला वन मैन आर्मी में कंफर्म इस मैच के बाद आपको किल लीडर बोर्ड में जरूर देखने को मिलेंगे गाइस और जिस ब्लास्ट को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं ये काफी अहम रहेगा और ये एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो अपनी टीम से थोड़ा सा स्प्लिट खेल रहे हैं और एक हाइट एडवांटेज जो हायर ग्राउंड का फायदा होता है वो उठाते हुए दिख रहे हैं नियो नियो क्या होगा आपका आप भी जरा लाइक किए जाएंगे जॉनथन के स्प्रेस के चलते ये प्लेयर आज के दिन नहीं रुकने वाला हर्ष पूरी टीम हिल कर रेडी एंड जोन की मूवमेंट शुरू अब टीम स्टेल्स के लिए दिखने पड़ने वाली बिकॉज़ आई गॉट टीसीज एट टाइम क्या टीम स्टेल्स निकले क्या नगर निकलेगी एक करके टीम स्टेल्स पर हम क्या जाएगा स्पॉट की कर रहे टीम गोल्ड के प्लेयर्स को यहां पे डाउन करेगा नियो के द्वारा वो एक प्ले काफी ज्यादा बेहतरीन नियो फर्स्ट हिट पॉप करेंगे तुरंत हमें पता है कि डैमेज पर ग्रेनेड आते निकले एंड निकले के टाइम पे नियो का वो नियो यहां पे हिलअप कर चुके हैं नियो आगे बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट को डाउन आखिरी गाड़ी बचा नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा इस बार ओपन का प्लान कर नहीं होता लेकिन अपने के ऑन कैरी एंड इंसेंट बहुत ही दो प्लस बजे तक इंसेंट के गोली डाउन के कैरी के ग्रेनेड आई जला अकेले बचा यहां पे नियो की स्प्रे आएगी आई जला को भी डाउन है ना बाकी अकेला खिलाड़ी बचा टीटी का कैरी क्या है यहां पे पूरी की पूरी टीम गॉडल टीटी के कैरी को भी खत्म करेंगे 20 फिनिशर्स के साथ टीम गॉडल एक विनर विनर चिकन राइस गेम का लेके जाएगी या नहीं बिकॉज़ काफी ज्यादा उम्मीद है ग्रेनेड आएगा कैरी करना नहीं दैट वाज अ मॉली डैमेज नहीं प्रोवाइड करेगी लेकिन जॉनी यहां पे आगे बढ़ चुका है स्पॉट करेंगे कैरी को एंड ये लीजिए एक और फिनिश आता दिखेगा यार इसी के साथ गेम खत्म हो गया टीम गॉडल गॉट द विनर विनर चिकन राइस 20 पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया गेम प्ले वेस्टर्न साइड्स को शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे अब टीम्स के लिए दिक्कत है बढ़ेंगे बिकॉज उन्हें पता है कि जो आउटर टीम्स है उनको गेट कीप किया जाएगा जो अंदर बैठी टीम्स है जो इनर टीम्स है वो आराम से गेट कीप कर सकते हैं लेकिन अभी की बात करें तो आई थिंक गैलेक्सी रेसर्स के स्किल्स की तरह से इस फाइट को इंगेज करने की कोशिश की जाएगी कमिट कर चुके इस फाइट के लिए मॉली मारी है डैमेज फाइट किया जाएगा और एक मिनट की करेंगे लॉक डाउन लेकिन यहाँ पे अगर सोमराज नहीं जाते तो आई थिंक ट्रेड उठा सकते थे लेकिन नहीं सोमराज टाइम पर नहीं आएंगे ट्रेड नहीं उठा पाएंगे लेकिन अपना एक प्लेयर यहाँ पे डाउन स्किल्स की मारी है अंदर बढ़ेंगे सोमराज को भी डाउन करेंगे जिस तरीके से प्लेयर ने टीपीपी लेके रखी है तो यहाँ से एंगल काफी अच्छा मिलेगा बट शॉट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेट सी टी एफ किंग ओवेस बोलते पारितोस मैक्स आई थिंक मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर फाइट नहीं लेना चाह रहे आप तो जिस एरिया से सेवन सीज निकली थी आप भी वहीं से फॉल बैक कर सकते हो बट आई डोंट थिंक सो कि टीम फॉर एवर यहाँ पे फॉल बैक वाली टीम्स में से जी आप सामने देखने को मिलेगा बिल्ली यहाँ पे एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे टी एफ किंग ने लिया था शॉट ओजी के एक ओपी को डाउन करते थे बस यहाँ पे एज पर तो उसके लेके जाएंगे मैच का स्टैमिना तो दिखेगा बट ओके एज को भी टेक डाउन करना मैच इज देयर कैन इट वीडियो तो टॉप लेगा टीम पे होने के चाहिए बट यहाँ पे पहुंच चुके हैं 1v3 के नजदीक ये फाइट जाएगी ओजी के पास लास्ट मोमेंट में ये शॉट करेक्ट किया था अकेले बिलीव बचे थे हर्ष अगर वो लास्ट शॉट वो लास्ट बुलेट कनेक्ट हो जाती तो आई थिंक ये फाइट पूरी की पूरी टीम फॉरएवर के फेवर कर रहे हैं यहाँ पे इमॉर्टल के आखिरी बचे तीन फर्स्ट हिट बहुत ज्यादा दूर है जोन से इफ आई एम नॉट रॉन्ग अच्छा खासा 150-200 मीटर तो आराम से होने वाला है जोन के जोन से डिस्टेंस लेकिन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि अभी भी फर्स्ट हिट लास्ट मोमेंट तक एंड यहाँ पे शायद एक टीम और एलिमिनेट होगी एंड शायद इमॉर्टल हल्का सा ऊपर आ सकते हैं 8 मिनट की टीम अगर एलिमिनेट होती है तो लेकिन यहाँ पे
तो टीम इंसेंट के द्वारा टीम खत्म एंड इमॉर्टल। दिस इज हाउ यू प्ले अ गेम, दिस इज हाउ यू सर्वाइव। लास्ट किया है कि वो चलते आराम से गए हैं, बट अभी की बात करें तो दो टीमें आमने सामने, टीम इंसेंट वर्सेस स्टार वॉर्स। आई थिंक अकेला खिलाड़ी जेली, बट जेली का पिकअप आए। लेकिन मुझसे पूछिए, मूवमेंट ऑफ द मैच वॉज इमॉर्टल।